नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो विश्लेषण के साथ सटीक और प्रमाणिक जानकारियों से आपको रूबरू कराने का हमने एक प्रयास शुरू किया है, किंतु हमारे इस प्रयास को आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करके भी हमें सहयोग कर सकते हैं, या आप kklive.com पर सीधे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहां मिलेगा वैसी तमाम जानकारी जिसका आपसे वास्ता है। मुद्दे जो कहीं गुम हो गए हैं, हम लाएंगे इतिहास के पन्नों से, समाज के अंधियारों से और खबरों की भीड़ से। तो देर किस बात की। महज 18 साल के किशोर उम्र में गरीबी से तंग आकर चुपके से अपना घर छोड़कर भागने वाला एक युवक भटकते हुए मुंबई पहुंच जाता है और अपनी मेहनत के दम पर इतना नाम और पैसा कमाता है कि लौटने पर उसने अकेले अपने दम पर बिहार की राजनीति की धारा ही बदल दिया। आज उसके नाम से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। उनके कद का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने न सिर्फ उन्हें स्टार प्रचारक बनाया, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह स्वयं उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में लेकर एक साथ प्रचार करते हुए भी देखे गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं निषाद विकास संघ के संस्थापक और बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से जबरदस्त प्रसिद्धि बटोर रहे मुकेश सहनी की। यह वह नाम है जिसका बचपन बेहद ही गरीबी और मुफलिसी में बीता, जिसके घर में दोनों शाम खाने के लाले पड़े थे। आज वही मुकेश सहनी गरीबों का मसीहा बनकर बिहार की राजनीतिक क्षितिज पर सितारों की तरह चमक बिखेर रहे हैं। अति पिछड़ी मल्लाह समाज को एकजुट करने और आरक्षण देने, उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सन ऑफ मल्लाह ने बिहार में निषाद एकजुटता का जो अभियान शुरू किया है, क्या है उसका लब्बोलुआब, आप खुद ही सुन लीजिए। जिनके पास वोट है वो राजा बनता है। जितना मेरे वोट का वैल्यू है उतना ही वोट प्रधानमंत्री जी का भी वोट का उतना ही वैल्यू है, और एक साधारण गरीब जो खेत में काम कर रहे हैं उनका भी वोट का वैल्यू उतना ही है। जिसके पास ज्यादा वोट हो जाए वो राजा कहलाने लगेगा, वो देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, जिला के सांसद, विधानसभा के विधायक ये बनेंगे या पंचायत के मुखिया बनेंगे, ये परिभाषा है। तो आपका वोट, आप समझिए कि आपका वोट प्रधानमंत्री बनाता है। तो वोट को संभाल कर रखने की चीज है, सोचने की चीज है। ये वोट पे आपका अधिकार है। इस वोट पे ना मुकेश सहनी का अधिकार है, ना लालू जी का अधिकार है, ना मोदी जी का अधिकार है। इस वोट पे आपका अधिकार है, आपको सोचना है ये वोट देने से किसका फायदा कराना। नतीजा, कोई उन्हें अपना मसीहा कहता है तो कोई उन्हें गांधी के नाम से पुकारता है, पर स्वयं मुकेश सहनी अपने बारे में क्या कहते हैं? मुझे लोग कहा गांधी आंधी, बोला नहीं मैं गांधी हूँ ना मैं आंधी हूँ, मैं मल्लाह का बेटा हूँ और मुझे अगर प्यार से कहना है तो सन ऑफ मल्लाह के नाम से मैं जाना जाऊंगा। बहरहाल, बिहार के दरभंगा जिला अंतर्गत सुपौल बाजार गांव में जन्मे मुकेश सहनी बिहार में निषाद क्रांति के जनक बन चुके हैं। उन्होंने निषाद समाज की 312 उपजातियों को इकट्ठा करके एक बड़ा संगठन खड़ा करने की मुहिम शुरू कर दी है। सवाल उठना लाजमी है कि कैसा होगा निषादों का यह महासंगठन, खुद मुकेश सहनी बताते हैं। पदाधिकारी जो भी है उनका तो संगठन है ही, जो इस संगठन से जुड़े नहीं है उनका भी यह संगठन है। इसका यह मतलब है कि जो संगठन से नहीं जुड़ा है उनका भी संगठन है। तो आने वाले समय में संगठन में किस तरीके का काम करना चाहिए, 365 दिन आपको प्रयास करना है संगठन में हर पदाधिकारी को जोड़ने का, रुकने का नहीं। हमने 3,00,000 पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य हमने बनाया है, जिसमें 1,65,000 पदाधिकारी बिहार में अभी तक नियुक्त हो चुका है और जून तक हमें सारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। हर एक पंचायत में 8,600 पंचायत बिहार में है, वो हर एक पंचायत में 21 आदमी का कमेटी हो, 243 विधानसभा है उसमें हर विधानसभा में 30 से 40 कमेटी का मेंबर हो, हर प्रदेश जिला में 100 आदमी का कमेटी हो, हर जिला में प्रदेश में
15 से 20 आदमी का कमेटी हो, हर जिला से 5 से 7 आदमी का राष्ट्रीय कमेटी में जगह हो। तो इस तरीके से हमने संगठन को बनाया है, डिजाइन किया है। मुंबई जाने से पहले मुकेश सहनी ने गरीबी को करीब से देखा, नतीजा वह गरीबों के दर्द को महसूस करते हैं। उनका मानना है कि निषाद समाज को आरक्षण की श्रेणी में लाकर ही उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास संभव है। लिहाजा सदियों से दबे कुचले निषाद समाज अब अपने हक और हुकूक की मांग को लेकर कमर कसने लगा है। निषाद विकास संघ के प्रदेश सचिव और सन ऑफ मल्लाह के बेहद करीबी राजकुमार सहनी बताते हैं, पिछले 3.5 वर्षों से जो निषाद समाज के बैनर तले सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वह निषाद समाजों में वोटिंग को लेकर के लोग स्टेबल हुए हैं और वो निषाद समाज के मुखिया मुकेश जी के बातों को पत्थर का लकीर समझते हैं, वो जैसा भी कहते हैं वैसा करने को तैयार होते हैं और इनके नेतृत्व में लड़ाई मजबूत हो रही है। यहाँ आपको बताना जरूरी है, मुंबई के आरंभिक दिनों में जबरदस्त संघर्ष करते हुए मुकेश सहनी ने बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया है। आज मुंबई में उनका मुकेश सीने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है और यह कंपनी फिल्मों के अतिरिक्त टीवी सीरियल्स और अन्य सोच के लिए स्टेट बनाने का काम करती है। यहां आपको जानना जरूरी है कि मुकेश की कंपनी ने ही नितिन देसाई के कहने पर शाहरुख खान स्टारर फिल्म देवदास का सेट बनाया था। अब मुकेश सहनी राजनीति की दुनिया में अपना नया पार्टी बनाने की योजना बना रहे हैं। क्या है उनकी योजना, सुनिए खुद मुकेश सहनी की जुबानी। आने वाले समय में हमारा राजनीतिक पार्टी बन के आएगा और मैं भी किसी के पास गठबंधन करने के लिए नहीं जाऊंगा। आप लोग दिमाग में मत लीजिए कि मैं किसी के पास गठबंधन करने के लिए जाऊंगा, जिनको गठबंधन करना है वो मेरे पास आए। सन ऑफ मल्लाह ने जब से नई पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं तभी से बिहार के कई राजनीतिक दिग्गजों की नींद उड़ गई है। उन्हें राजनीति की विभिन्न धाराओं में फंसने के लिए पार्टियां डोरे डालने में डूब चुकी है, किंतु मुकेश सहनी को अपने समाज के लिए आरक्षण से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जानकार बताते हैं कि मुकेश सहनी शीघ्र ही बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। सवाल उठता है कि कब होगी इसकी शुरुआत। तो आने वाले समय में अक्टूबर में एक इस तरीके से कार्यक्रम होगा कि इसको आपको भरना है, खाली भर के दिखा दीजिए और कुछ मत बोलिए, और जितने भी गाड़ी घोड़ा चाहिए वो तो सबके लिए मैं हूँ। जाना पल्ला जिंदा है, तो इसलिए ये गांधी मैदान में अगर जून तक आरक्षण नहीं हुआ, इस गांधी मैदान में एक मैं नया झंडा दूंगा, उसका नाम होगा VIP पार्टी, और पार्टी का नाम तो हम गांधी मैदान में बताएंगे। मुझे तो बिहार का कमान चाहिए और बिहार का राजनीति करना है, मुझे लोकसभा लड़के मुझे केंद्र में नहीं जाना है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो विश्लेषण पसंद आया होगा, क्योंकि यहां मिलेगा खबरों की खबर, लीक से हटकर खबर, KKN लाइव यानी भरोसा सभी का। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आभार और अभिनंदन के साथ आपसे विदा चाहता हूं।